किसान भाइयों, पोल्ट्री की वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए उन्नत पोल्ट्री के हैचरी फार्म पर, जो कि काछवा के अंदर है। यहाँ पे 1,00,000 बर्ड्स का हैचरी फार्म है। आपको जानकारी देंगे कि हैचरी को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कितना खर्चा उसके अंदर आता है, रनिंग कॉस्ट क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है। चलिए बात करते हैं दीपक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम दीपक सैनी है और मैं उन्नत ग्रुप से बिलोंग करता हूँ और पिछले 4 साल से ये हमारी हैचरी है जो कि 1,00,000 की है और उसे मैं संभालता हूँ बस। सर ये बताइए, जैसे आपने 1,00,000 की यहाँ पे हैचरी बताया, एग्जैक्टली उन्नत ग्रुप जो शुरुआत हुई थी उसकी, वो कब से हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा पहले एक बताइए सर। सर उन्नत ग्रुप की हैचरी तो ये फर्स्ट यही है जी, हमने 2016 में लगाई थी और लगभग इसको 4 साल हो गए हैं। अब सर यहाँ पे आपने 1,00,000 बताया, जो इस वाले शेड की अगर हम बात करें, इस वाले शेड में कितनी मुर्गियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए सर। सर ये शेड जो कि है 50x400 का है, 50 फुट इसी चौड़ाई है और 400 फुट लंबा है और इसमें 9,000 के करीब मुर्गियाँ हैं और 10% मेल है, लगभग 10,000 कैपेसिटी कह सकते हो आप इसको विद मेल। एक शेड के अंदर 10, और सर जैसे आपने बताया कि 1,000 यहाँ पे मेल हैं, 9,000 मुर्गियाँ हैं, तो क्या कोई ये ऐसी एग्जैक्ट रेशो होती है कि मुर्गियों पे इतने मुर्गे होने चाहिए, उसका कुछ रेशो है क्या? हाँ सर, 10% की रेशो है, लगभग एक मुर्गे के लिए 10 मुर्गी होती है, 10 मुर्गियों पे एक मेल होता है। अब सर जैसे हैचरी तो और भी होगी, लेकिन उन्नत जो हैचरी है, उन्नत की हैचरी, उसमें क्या खास बात है, अब वो बताइए सर। उन्नत हमारा, सर हमारा जो नाम है वो उन्नत फीड से है और जिसकी वजह से हमें सारे इंडिया में जाना जाता है। हमारी लगभग ऑल ओवर इंडिया में 5 फीड मिल्स हैं, एक डिडवाड़ी है, एक इलाहाबाद है, जयपुर है, गुवाहाटी है और राजपुरा में फिलहाल हमारा काम चल रहा है। और ब्रॉयलर फार्मिंग में जैसे आप जानते हो, मैं हमारे अच्छे पैर जमा रखे हैं, हमने लगभग 7-8 लाख की पोल्ट्री हमारी खुद की है और रही बारी हमारी चिक्स क्वालिटी की, लाइक हम बहुत अच्छे से मैनेज करके एक हेल्दी से हेल्दी चिक्स को तैयार करते हैं ताकि वो हमारे फार्म पे अच्छे से तैयार होए और मार्केट में जाए। सर जैसे आप बता रहे थे कि उन्नत के अंदर जो हैचरी है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो बताइए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सर फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, हमारी जो ये पेरेंट है ये 430 है वेंकिस का, और हमने सेटअप को देखते हुए सबसे पहले इनके वेंटिलेशन के बारे में सोचा ताकि मुर्गी कैसे अच्छे वातावरण में रहे, तो उसको देखते हुए हमने पहले सबसे इसमें फार सीलिंग करी जिसमें कि हमने ग्लास वूल वगैरह बिछा रखा है ऊपर, और इनके पानी के लिए हमने आरओ लगा रखा है जो कि 5,000 लीटर पर आवर के हिसाब से है जो पानी प्योर करता है। और इनकी फीडिंग का कहा जाए तो लाइक मैनुअल फीडिंग में सर कभी कोई काम प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हमने उसको भी ऑटोमेशन पे करके R&D करके इसको कामयाब किया और वो पूरी तरीके से 100% कामयाब ही है जो हमने ऑटोमेटिक फीडिंग किया। अब सर जैसे आप ऑटोमेटिक फीडिंग की बता रहे हैं, फीडिंग के बारे में मुझे ये बताइए, मुर्गियों को एक स्पेसिफिक कि इतना खाना जाना है वो चीज़ होती है, अब आप ऑटोमेटिक भी हो, ऑटोमेटिक में ये पता ना चले कि कितनी मुर्गी को कितना खाना जा रहा है, तो क्या आप वो चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हैं फीड के अंदर, वो बताइए। हाँ सर हम करते हैं रूटीन में, लाइक ट्रॉलीज के ट्रायल्स वगैरह होते हैं और हमारा हर तीसरे दिन हम चेक करते हैं अभी प्रॉपर फीड जा रहा है नहीं जा रहा, और हम लगभग 2 टाइम फीड देते हैं, एक सुबह देते हैं एक शाम को देते हैं। नहीं नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको फीड कंट्रोल करना है कि आज भाई हमें 50 ग्राम देना है या 100 ग्राम देना या 200 ग्राम देना है हमें, तो वो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बताइए सर। सर हम इसको 10 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक कंट्रोल कर सकते हैं, आप मुर्गी को जैसे डिपेंड करता है मुर्गी की एज पे, मुर्गी जब आती है जैसे 7 हफ्ते की है तो उसका कम दाना होता है, फिलहाल जैसे इसका 155 ग्राम दाना है तो पहले 150 था, तो हमारा लाइक ऑटोमेशन है उसमें हमें फीड करना होता है भी आज भाई मुर्गी की 150 ग्राम है तो 150 ही जाएगा और उसकी ट्रायल्स भी होती है। सर ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, अब मेन बात है जैसे कि ये पूरा यहाँ पे कितनी रोज हैं ये 10,000 वाले शेड में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, वो बताइए सर। सर इसमें 5 रोज हैं, 3 मेल्स की है, 17 फीमेल्स की है और इसमें 9,000 मुर्गी और अपना लगभग 950 के करीब मेल है हमारे पास। अब सर ये जो है जैसे आप बता रहे हैं कि 5 रोज है, एग्जैक्टली एक मुर्गी को कितना साइज दिया जाता है, कितने बाई कितने का ये जो यहाँ पे जाल बनाए हुए हैं, वो बताइए सर। सर इसे हमारा 17.5 इंच का केज करते हैं और इसमें लगभग 2 मुर्गी रहती है। अब सर
ये तो हमने जान लिया, चलिए दो मुर्गी, लेकिन एक लिटर सिस्टम वाला भी बात करते हैं, जो मुर्गियों का बीट करती हैं, क्या वो ऑटोमेटिक तरीके से निकलता है या आप एक ही जगह इकट्ठा करते रहते हैं? वो होते हैं सर, जो मुर्गियों का लीटर है वो बाय कन्वेयर हमारा फ्रंट में आ जाता है और हम इसको जो टैंक है सक करने वाला उसे सक करके हमारा पीछे बायोगैस प्लांट लगाया हमने, जिसके गैस से हम जनरेटर भी चला रहे हैं। अब सर सबसे पहले तो जनरेटर भी जो आप बता रहे हैं कि बायोगैस प्लांट है वो भी देखेंगे, और इसमें एक और चीज़ जहाँ से कंट्रोल होता है पूरा सिस्टम, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लीटर सिस्टम भी है, फीड वाला भी है और टेम्परेचर भी है, वो कहाँ से कंट्रोल होता है वो देख लेते हैं एक बार। हाँ सर आइए। सर तो ये है क्या पूरा जिससे सारा का सारा सेटअप कंट्रोल होता है? यस सर यही है सर। अब क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से मतलब कि कैसे कंट्रोल होता है, आप थोड़ा सा एक डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए सर एक बार। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, ये हमारे फैंस हैं जिसमें कि हमारे यहाँ पे 12 फैंस हैं, कूलिंग पैड्स हैं लेफ्ट राइट के, फ्रंट के लाइट्स हैं जो कि हम लाइट्स भी हमारी फुल ऑटोमेटिक है जिसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं डिम करने के लिए और तेज करने के लिए, और हमारे चिमनी फैंस हैं जो कि सर्दियों में चलते हैं शेड की गैस निकालने के लिए, और जो ये एरिया हमारा ये बेल्ट कन्वेयर एरिया है मैन्योर और लिटर एरिया, इसमें हमारा जो बाहर से फीड ऑटोमेटिक ट्रॉलीज में भरता है और जो फीडिंग सिस्टम है सारा यहीं से कंट्रोल होता है, और ये हमारा उन्नत ग्रुप है और एग्रोटेक करके हमारी फर्म है जो कि हम खुद सेटअप करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो पीछे सेटअप है अभी हमारे ये एग्जैक्टली ये किस चीज़ के लिए है? सर ये साइलोज हैं, इनमें हम फीड स्टोर करते हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं फीमेल्स ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से बड़ा साइलोज है, मेल्स मेरे हिसाब से मेल उतना साइलोज है। तो सर मतलब कि जो फीड है इनका मेल के लिए अलग फीड है और फीमेल के लिए अलग फीड है, ऐसा क्यों सर? सर मुर्गे ने अंडे नहीं देने ना, इसलिए मुर्गी ने अंडे देने हैं तो मुर्गी के लाइक फीड में मार्बल पाउडर वगैरह होता है जिससे वो अंडे का शेल वगैरह रेडी होता है। अब सर जैसे कुछ और क्वेश्चंस थे हमारे, अंदर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था इस वजह से हमने बाहर आए, सबसे मेन क्वेश्चन जो पहला है, आपके पास ये जो बच्चे हैं या मतलब कि ये मुर्गियां हैं ये अंडा दे रही हैं, क्या इनके अंडे से जो मुर्गियां निकलेंगी वो भी बच्चा दे सकती है या नहीं दे सकती, कोई उन्हें लेकर हैचरी स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं सर नहीं सर, वो सर जो ये जो पेरेंट है जो इसका अंडा जो फर्टाइल अंडा होगा जो जिसमें से चिक्स निकलेगा वो एक ब्रॉयलर कराया जाएगा, वो सिर्फ खाने के लिए बेटर रहता है जिससे लाइक आज जन में फुल प्रोटीन कह लो, मतलब इससे अच्छा प्रोटीन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, सस्ता और अच्छा। मतलब कि वो सिर्फ ब्रॉयलर ही तैयार होगा, बच्चा बिल्कुल नहीं दे सकता? नहीं सर वो बच्चा नहीं दे सकता, वो ब्रॉयलर ही है, वो लगभग हमारी 30 से 35 दिन की खेती है वो तैयार होती है, उसको मार्केट चला जाता है सेल होने के लिए। सर ये बताइए कि जैसे ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर किसी किसान को कुछ भी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ग्रुप है फीड से लेके आप हैचरी से लेके ब्रॉयलर में भी आप बैटरी केज भी आपके पास वैसे भी है, सभी तरीके का ऑल ओवर चीज़ें आपने कवर की हुई है, अगर किसी किसान को जानकारी चाहिए या कुछ बनवाना है कुछ भी एग्जैक्टली ए टू जेड पोल्ट्री के अंदर चाहिए तो वो कैसे आपको जानकारी ले सकता है उन्नत से, वो बता दीजिए सर। सर उन्नत ग्रुप हमेशा किसान भाइयों के लिए ओपन है, आप हमें कभी हमारा आप नंबर डाल दीजिएगा हमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और हमारा पानीपत ऑफिस है और वहाँ हमसे मिल के आगे के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए सर ये तो बात कर लेंगे, हम नंबर भी दे देंगे किसान भाइयों को। अब इसके अंदर मेन चीज़ एक और आती है, आपके पास 1 लाख का यहाँ पे हैचरी है, 1 लाख मुर्गियों को पालने के लिए सिर्फ बिजली ना यहाँ पे 24 घंटे जब एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है चाहिए, अब बिजली का खर्चा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आता होगा, तो पहले वो बता दीजिए कि ज़्यादा कितना आता है? सर बिजली का खर्चा यहाँ पे हमारा मंथली लगभग 4 से 5 लाख बिल आता था, लेकिन हमने जब से बायोगैस प्लांट लगाया तो हमारा उसमें कुछ कटौती हुई है, हमारा जनरेटर 350 किलोवाट का है जो कि मुर्गियों के लीटर से ही चलता है और वो लगभग 8 से 10 घंटे चल रहा है सर्दी को देखते हुए, आगे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो उसकी टाइमिंग भी बढ़ेगी जनरेटर, क्योंकि सर्दियों में गैस कम बनती है लीटर से, सर्दियों में, गर्मियों में ज़्यादा बनती है। मतलब 10 से 12 लाख रुपये आपका बिजली का ही बिल आ रहा था मंथली 4 से 5 लाख सर, तो इससे मतलब कि बायोगैस से बहुत कम हुए, तो चलिए सर एक बार बायोगैस का भी प्लांट देख लेते हैं कि असल में पोल्ट्री के अंदर बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, लोग बाग बायोगैस प्लांट डेयरी के अंदर ही लगा रहे हैं, तो चल के देख लेते सर। सर ये बताइए क्या ये जो सेटअप है पूरा बायोगैस का एग्जैक्टली ये कितना पावर आउटपुट दे देता है? सर जैसे मैंने आपको बताया कि ना हमारा 350 किलोवाट का जनरेटर है और लगभग 8 से 10 घंटे हम डेली इसे चला रहे हैं। अब सर बायोगैस मतलब गोबर से था, लेकिन ये प्लान कब आया कि चलिए जो चिकन मैन्योर है इससे भी हम गैस बनाते हैं और बिजली का बिल जो है वो कम करते हैं, वो आइडिया कैसे जनरेट हुआ?
सर वो स्वच्छ भारत अभियान से ही लगा लीजिए आप, हमारे मोदी जी कहते हैं भाई गंदगी ना फैलाओ बिल्कुल भी, तो अगर हम इसको ऊपर में डालेंगे तो उससे मच्छर मक्खियाँ वगैरह होंगी, उससे बीमारी फैलेगी। उन चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना इसको एक कंजप्शन के तौर पे लिया जाए, ताकि हम इससे लाइक गैस जनरेट करें और जो इसका जो लीटर बच जाएगा उसको प्योर करके एक अच्छे से खाद के रूप में मार्केट में सेल करें, जो कि फार्मर लाइक खाद के रूप में यूज़ करेगा। मतलब कि इससे बिजली भी बनेगी और खाद जो था मान लीजिए खेत में भी डालते, खाद तो जब भी तैयार है आदमी के पास। हाँ जी सर, खाद जैसे आप मार्केट देख रहे हो आजकल DAP वगैरह आया, इनमें मतलब आजकल आदमी बीमार है क्योंकि सारी सब्जियों में लगा लो खाद दवाई ज़्यादा डलती है, तो अगर ये डालेंगे तो ये नेचुरल है, तो सदा हमारे बाप दादा डालते आए हैं लाइक गोबर वगैरह, गोबर ही लगता। अब सर ये बताइए कि ये असल में ऑपरेट कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि गोबर तो चलिए हमने देखा, गोबर तो सीधा उसमें पानी मिलाया, स्लरी ऐसे घुमाई और हो गया, लेकिन ये आपने 3-4 चीज़ें अलग से की हुई है, क्या चीज़ें है? सर इसमें लाइक स्टार्टिंग वहाँ से होती है, वहाँ से लीटर उसके अंदर आता है, ये जो आप सेटअप देख रहे हो ये राउंड राउंड घूमता है, तो इससे क्या होता है इसमें पंख जो बड़े बड़े पंख है वो इसमें रुक जाते हैं, उसके बाद जो मेन लीटर है इसमें आ जाता है, इसमें जो बजरी वगैरह है जो मुर्गी खाती है उसमें बजरी अलग हो जाती है, इसके अंदर फिर इसमें से आता है, इसमें जो और जो हैवी पार्टिकल उससे रुक जाते हैं, देन लास्ट वाले उसमें खड्डे में जाता है, उससे हम बाय थ्रू मोटर इनमें इनपुट कर देते हैं, आगे ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, जनरेट कर देते हैं। अब सर इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई गोबर से बनाता है और इससे बनाता है तो आपको क्या अंतर दिखता है, क्या इससे गैस ज़्यादा बनती है या कम बनती है, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए सर। हाँ सर, मुर्गियों के लीटर लाइक ज़्यादा लाइक गर्म होता है तो गैस इसमें लाइक गोबर खाद के मुकाबले ज़्यादा ही बनती है। तो सर ये बताइए कि अगर जैसे कोई बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट करूँगा जरूर लगाइए, अगर किसी का लाइक अच्छे से लाइक खेती बाड़ी है और डेयरी हाउस वगैरह है या पोल्ट्री हाउस है तो इसको लगाने में बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो आपका एक लीटर की एक प्रॉपर जगह मिलेगी आपको डालने के लिए, सेकंड थिंग उससे बिजली जनरेट होगी जिसको आप प्रॉफिट आप इंसेंटिव तौर पर लीजिएगा सारी साल सारी उम्र, और बाकी सरकार भी हमारी मदद कर रही है इसमें, सब्सिडीज़ वगैरह काफ़ी हैं, तो लाइक जाना अच्छी बात है बायोगैस प्लांट में। सर इसमें ये बताइए कि कोई भी आप चीज़ें करते हैं पोल्ट्री के अंदर भी लेबर की एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कैसे लेबर मैनेज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर लेबर के बारे में आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात ये है हमारी हैचरी एक काछवा में है करनाल, और हमारे पास लगभग 65 लेडीज स्टाफ है जो कि हमारी सारी मुर्गियों को देखता है, और आसपास के लगभग 5-7 गांव हैं जहाँ से सारी लेडीज़ अपना लाइक यहाँ पर काम करने आती है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर लेडीज़ काम करती है, क्योंकि साफ़ सफाई और मुर्गियों का ख्याल रखना, उनकी AI करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे कहते हैं, जिससे अंडा फर्टाइल होता है जिसे हम आगे चिक्स निकालते हैं, तो मतलब बहुत अच्छे से काम करती हैं यहाँ पे। अब सर ये बताइए कि मतलब कि महिलाएं चलिए अच्छे से काम करती है, अब फीड पे आ जाते हैं, जो मुर्गियाँ हैं जैसे आपने चलिए पाल तो लिया, एक बार इन्वेस्टमेंट डाल लिया आपने पूरा का पूरा, अब ये कितना खर्चा रनिंग पे इसका होता है, बिजली के बारे में जान लिया, उससे अलग फीड या दवाइयाँ या इन पे कितना खर्चा अंदाजन इसके हो जाता है? सर दवाइयों का तो कुछ है नहीं, दवाई फीड में सारी दवाइयाँ मिक्स होकर आती है फीड मिल से, और फीड का खर्चा लगाया जाए तो जैसे 150 ग्राम फीड है तो 4.5 से 5 रुपये किलो फीड ही कॉस्टिंग आ जाती है पर डे की मुर्गी की। मतलब कि कितना, 150 ग्राम एक मुर्गी एक दिन में फीड खाती है? हाँ जी हाँ जी। और 3 रुपये किलो तो 4.5 रुपये का टोटल। अब सर इससे अलग क्या कोई लेबर का खर्चा हो गया, बिजली का खर्चा हो गया और फीड का खर्चा हो गया, क्या इससे अलग है? क्योंकि ये हैचरी जो है एक तरीके की लेयर ही है इंक्यूबेटर से अलग देखा जाए तो, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर खर्चा आ जाता है? सर मेनली तो मुर्गियों का खर्चा यही है वैसे तो, फीड है, मैनेजमेंट है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने सारी जानकारी दी, और नंबर जो है वो हम आपका जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देंगे। इसमें हमने आपसे इतनी सारी चीज़ें जान ली, लेकिन अगर कोई पोल्ट्री में आना चाहता है, कुछ भी शुरू करना चाहता है पोल्ट्री के अंदर, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसे पोल्ट्री के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर वो इसके अंदर आ रहा है तो, वो बताइए। वैसे तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा पोल्ट्री एक बहुत अच्छा व्यापार है जिसमें आजकल नई जनरेशन से लेके सब आना चाहते हैं, तो अगर आना चाहो सबसे पहले तो आपका मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी और आपका सेटअप सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। जैसे आजकल
लाइक बिना बायो सिक्योरिटी के कोई सेटअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा सेटअप होगा तो मुर्गी की अच्छी प्रोडक्शन आएगी जिससे कि आप अच्छा मुनाफा पा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी दीपक जी से बात, बहुत अच्छी इन्होंने पोल्ट्री के अंदर जानकारी दी आपको। हमने एक बड़ा सेटअप भी दिखाया कि जो हैचरी का बड़ा सेटअप होता है, उन्नत जो है बहुत अच्छा ग्रुप है उनके। इससे पहले हमने ब्रॉयलर के आपको फार्म्स भी दिखाए जो बैटरी केस थे या दूसरी चीज़ें थी, सभी चीज़ें आपको दिखाई। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए पोल्ट्री के अंदर या कैसे क्या चीज़ें सेटअप करनी है, पूरे इक्विपमेंट भी ये बनाते हैं, ए टू जेड सॉल्यूशन पोल्ट्री के अंदर आपको सभी मिलेगा, कुछ भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।